स्लाइसिंग, ठीक है। तो जो स्लाइसिंग था, स्लाइसिंग में बेसिकली हम रेंज देते, रेंज ऑफ इंडेक्स नंबर विच वी वांट टू रिट्रीव। ओके, तो उसमें हमने सबसे पहले किया था दैट बिगनिंग एंड एंड बोथ वैल्यूज वी हैव गिवन, ठीक है, इन पॉजिटिव नंबर, एंड आफ्टर दैट बिगनिंग ऑफ द स्लाइस वॉज नॉट देयर एंड एंड ऑफ द स्लाइस वॉज देयर। ओके, देन बिगनिंग वॉज अज्यूम्ड एज फ्रॉम द स्टार्टिंग, ओके, फर्स्ट इंडेक्स से। फिर सेकेंड था हमारा, हमने स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर दिया था बच्चों इसको, और जो एंड का इंडेक्स नंबर है वो नहीं दिया था, ठीक है। ये सारा का सारा किस केस में था? हमारा पॉजिटिव नंबर्स के केस में था। फिर दूसरा है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में भी हमने सेम किया था कि फर्स्ट इंडेक्स नंबर हमने दिया और साथ के साथ हमने इसको सेकंड इंडेक्स नंबर भी दे दिया। फिर हमारा था नेक्स्ट कि फर्स्ट इंडेक्स नंबर हमने दिया और लास्ट इंडेक्स नंबर हमने नहीं दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने किया था कि फर्स्ट इंडेक्स नंबर हमने नहीं दिया और लास्ट इंडेक्स नंबर हमने यहाँ पे दे दिया था, ठीक है। ये था हमारा नेगेटिव के केस में। तीसरा केस और हो जाता है। तीसरा केस क्या होता है? वन वैल्यू इज पॉजिटिव एंड अनदर वैल्यू इज नेगेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू आप पॉजिटिव देते हो, सेकंड वैल्यू नेगेटिव देते हो, तो ये हमारा नेक्स्ट केस है। तो ये हमारे केसेस थे जो हमने कल किए थे। फर्स्ट केस ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, सेकंड केस ऑफ नेगेटिव वैल्यू, एंड थर्ड केस वाज ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज बोथ। ओके, तो उस एक्स नंबर है जो आपके सिलेबस में है वो कौन सा है? वो सिर्फ स्टार्टिंग और एंड इंडेक्स नंबर वाला है, ठीक है। इसकी एक थर्ड वैल्यू और होती है, दैट इज ऑफ ए स्टेप, ठीक है। वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है तो उससे थोड़ा सा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा कम भी समझ आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जैसे हमने लिखा है ए इक्वल्स टू स्ट्रिंग वी आर गिविंग हेलो डियर स्टूडेंट्स, ओके, दिस इज द स्ट्रिंग विच आई हैव गिवन। तो इसमें इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? एच को मिल जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 मिल जाएगा, फिर स्पेस को 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड देन लास्ट वाला 17, ठीक है। देखो, जो अभी तक हम इंडेक्स नंबर देते थे ना, प्रिंट ए बिगनिंग ऑफ द इंडेक्स नंबर एंड एंड ऑफ द इंडेक्स नंबर, ये हमने दिया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं एक बारी। LLODEA, ठीक है, सेकंड से इसने स्टार्ट कर दिया और कहां तक डिस्प्ले करा इसने? 8 इंडेक्स नंबर तक डिस्प्ले किया। ओके, नेगेटिव में नहीं किया, किया था बेटे, कोई नहीं, फिर रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। नहीं मैम, वो वाला नहीं किया था कि अगर एक नेगेटिव है दूसरा ब्लैंक है, फिर फर्स्ट वाला ब्लैंक है सेकंड वाला नेगेटिव है। अच्छा अच्छा वो रह गया, चलो उसको भी रिपीट कर लेते हैं एक बार। ये स्टेप वाला बता देती हूँ, ये इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब छोटा ही टॉपिक है, होता है ये। लेकिन जैसे देखो, हम जब मैथ सीखते हैं ना फर्स्ट सेकंड क्लास में, तो हम बच्चे को क्या बताते हैं कि पहले देखो भाई, जब आप माइनस करोगे देन यू हैव टू डिडक्ट ओनली बिगर नंबर, सॉरी स्मॉलर नंबर फ्रॉम बिगर नंबर, है ना। लेकिन जब हम बड़ी क्लास में आते तो हम करते कि भाई नहीं, छोटे नंबर को में से भी बड़े नंबर को हम माइनस कर सकते हैं, है ना। तो सेम इसमें स्लाइसिंग में जो आपके सिलेबस में ना, वो बस उतना ही है कि आपका दोनों पॉजिटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। जो एंड वाला है वो नेगेटिव है,
वैसे तो हमने सारे केसेस कर लिए हैं, तो जो वो रहेगा ना दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हम अभी रिपीट कर लेते हैं। जो आपका ये सेकेंड चैप्टर है ना, इसमें एक कंसेप्ट आपका सॉर्टिंग से रिलेटेड, ठीक है, और एक है स्लाइसिंग से रिलेटेड। जो स्लाइस और सॉर्टिंग है ये दोनों ही थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, इन्हीं को समझने में टाइम लगता है। तो वो वाला जो टॉपिक स्लाइसिंग में आपका जो कुछ भी रह गया है, जो नहीं समझ आया, आज हम वही खत्म कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जो इसके फंक्शंस और ऑपरेटर्स हैं वो बहुत ईजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उसमें ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो एक बारी मैं ये बता देती हूँ, इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप दे देंगे, ठीक है। देखो मैंने यहाँ क्या स्टेप दिया, टू, तो इसने क्या किया, बीच में एक एक का गैप दे दिया, ठीक है। पहले इसने क्या दिया था, एल, एक एक को इंक्रीज कर रहा था इंडेक्स नंबर को। अभी इसने इंडेक्स नंबर को क्या किया बच्चों, दो दो में इंक्रीज किया, ठीक है। पहले इसने क्या दिया था, जीरो, सॉरी टू थ्री फोर फाइव, है ना, यहाँ पे सारे इंडेक्स नंबर इसने इसके डिस्प्ले किए थे। एक मिनट मैं इसको ड्रॉ ही कर लेती हूँ। एच ई एल एल ओ स्पेस डी ई ए आर स्टूडेंट्स एस टी यू टी ई एन टी एस, ठीक है, एज्यूम करके चलना आगे टी एस है। जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, हम इतने तक ही रखते हैं, ठीक है। देखो इसने पहले क्या किया था, कहां से कहां तक डिस्प्ले किया था, टू से लेके नाइन तक, लेकिन हमने इसको स्टेप्स नहीं दिए थे। देन स्टेप वाज अज्यूम्ड एज वन, तो इसने एक एक इंक्रीज करा था, पहले टू को डिस्प्ले करा, फिर थ्री को, फोर को, फाइव को। हमने यहाँ पे क्या दे दिया, सेकेंड केस में टू दे दिया, तो इसने क्या किया, पहले टू को डिस्प्ले करा, उसके बाद एक स्किप करके उसका नेक्स्ट वाला किया, ठीक है, फिर उसके बाद एक स्किप करके उसके नेक्स्ट वाला किया, ठीक है। तो ये एल ओ डी ए, पहले यहाँ कितने लेटर डिस्प्ले हुए थे, छह लेटर डिस्प्ले हुए थे, अब यहाँ कितने लेटर्स डिस्प्ले हुए हैं, चार लेटर डिस्प्ले हुए, ठीक है। तो ये है इसका स्टेप्स का, इसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज दे सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दूंगी तो ये इसका रिवर्स करेगा, जैसे हमने अगर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज है यहाँ पे और आप स्टेप नहीं देते हो, देन इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू कैन गिव इंडेक्स नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। आप कभी भी 13 से 5 तक डिस्प्ले नहीं कर सकते, आप हमेशा 5 से 13 तक डिस्प्ले करते हो। लेकिन अगर आप रिवर्स ऑर्डर में करना चाहते हो, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन टाइप हियर माइनस वन, इस केस में ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं किया इसने, यहाँ पे देखो ब्लैंक दे दिया, क्यों दे दिया, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में है, टू से माइनस वन करता जाएगा, ये टू से माइनस वन हो जाएगा वन, वन से माइनस वन हो जाएगा जीरो, तो नौ पे तो ये कभी पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देते हैं बच्चों स्टेप्स में, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू गिव दिस वैल्यू लाइक दिस, ओके। अब ये रिवर्स ऑर्डर में इसको डिस्प्ले करेगा, एग्जीक्यूट, ये देखो, ठीक है, आर ई ए। अगर आपको सारा का सारा रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, देन डू नॉट गिव बिगिनिंग एंड एंड, जस्ट गिव स्टेप नंबर माइनस वन। जब आप बिगिनिंग और एंड नहीं देते हो तो ये क्या ज़ूम करके चलता है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इट हैज टू डिस्प्ले, ओके। तो ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया, रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो ये थी आपकी स्टेप की वैल्यू। वैसे तो ये बहुत वास्ट होता है जो स्लाइसिंग है, लेकिन जो स्टेप है, स्टेप में सिर्फ इतना ही है, वन टू थ्री स्टेप्स आप दे सकते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू आल्सो यू कैन गिव, ओके। अच्छा, इसके ना कुछ एक केसेस कर लेते हैं हम लोग, वो केसेस करने के बाद आपका सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो रिवाइज हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलो मैम, अगर हमें डी ई एन टी डिस्प्ले करना है तो हम क्या लिखेंगे?
एक मिनट बैठ डी ई एंटी लास्ट आपको देखो ई वन मतलब जो ये जो स्टेप्स देने होते हैं ना ये आपको इक्वल स्पेसेस पे देने होते हैं ठीक है। अभी इसमें हमें हाँ स्टेप नहीं देना सिर्फ लास्ट के ये डिस्प्ले करने हैं हमें लास्ट के ओके ओके सॉरी चार वर्ड ठीक है मुझे लगा ये डी ई ए आर का डी और इसका एंटी ठीक है ये लास्ट के फोर लेटर्स आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो उस केस में आप लिखोगे कहां से स्टार्ट करना है डी कौन सी लोकेशन पे है इसकी 14th लोकेशन पे यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 14 एंड यू हैव टू डिस्प्ले अप टू कहां चला गया ये 14 15 16 17 18 ठीक है एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ये ठीक है तो आपको कहां से स्टार्ट करना है इस इंडेक्स नंबर से इस इंडेक्स नंबर तक ठीक है। नेगेटिव में हम लास्ट वाला एलिमेंट नहीं प्रिंट कर सकते हैं ठीक है। अगर आप यहाँ नेगेटिव वैल्यू देते हो तो वो ये लास्ट वाला इंक्लूड नहीं करता। अगर आपको लास्ट वाला जो इसका आइटम है वो डिस्प्ले करना बच्चों देन यू हैव टू गिव पॉजिटिव इंडेक्स नंबर ठीक है ओके मैम। चलो yes. अगर मैं इसको मान लो वो दोनों कर लेते एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला रह गया था ना हमारा कि एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव तो उसी के एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ दे दिया 2 और यहाँ पे दे दिया मैंने -1 तो ये कहां से कहां तक डिस्प्ले करेगा बिगनिंग कहां से करेगा बच्चों ये 2 इंडेक्स नंबर मींस एल से एल ठीक है और ये कहां तक देगा -1 देखो जो नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो होती है यहाँ से -1 -2 -3 है ना जो नेगेटिव इंडेक्स इस हिसाब से स्टार्ट होता है इसका तो हम है ना इसको जरा रिमूव ही कर लेते इतनी ही स्ट्रिंग रख लेते क्योंकि हमने 13 तक यहाँ पे इंडेक्स नंबर इसको दे रखा है तो यू का हो जाएगा हमारा -1 -2 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 ठीक है 14 तक चला गया। ये 14 तक क्यों गया बच्चों ये तो यहाँ 13 तक है यहाँ 14 तक क्यों चला गया क्योंकि वहां पे 0 एक्स्ट्रा था ना और इसमें 0 वहां पे क्या था यहाँ पे 0 था ठीक है और यहाँ -1 से स्टार्ट हो रहा है तो आपने कहां से कहां तक दिया 2 यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड -1 मतलब आपको लास्ट वाले तक डिस्प्ले करना है ठीक है। अब स्टार्टिंग में हम ले लेते हैं -2 और यहाँ ले लेते हैं 1 तो क्या ये चलेगा नो मैम नथिंग इट विल डिस्प्ले ठीक है ब्लैंक इसने डिस्प्ले किया है ठीक है इसने क्या डिस्प्ले किया बच्चों यहाँ पे ब्लैंक डिस्प्ले कर दिया क्यों क्योंकि ये तो हमारी सीरीज ही नहीं बनी ना दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम विच दिस 12th एलिमेंट है ना एंड यू विल डिस्प्ले इन इंक्रीजिंग इंडेक्स नंबर जैसे 12 के बाद आप 13 14 15 दिखाएंगे व्हाई बिकॉज वी हैवंट गिवन एनी स्टेप तो ये बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलता है बच्चों पॉजिटिव 1 मान के चलता है स्टेप तो एक एक इंक्रीज करेगा तो अगर मान लो मैं इसको ये जो स्टेप्स वाला है ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा कोई भी कंसेप्ट है ना उसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता हो तो आप उसको एक्सप्लेन बेटर कर सकते हो तो अगर मैं इसको यहाँ -1 कर देती हूँ तो ये क्या डिस्प्ले करेगा बताना जरा ब्लैंक ब्लैंक करेगा इस केस में या नहीं करेगा नहीं करेगा इस केस में ये रिवर्स दे देगा -1 देखो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम -2 -2 मतलब ये यहाँ पे हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं टी से स्टार्ट कर रहे हैं ना T is -2 और आपने स्टेप्स क्या दिए बच्चों -1 स्टेप दिए देन इट विल गो बैकवर्ड ओके पहले ये U से सॉरी -2 था यहाँ पे
माइनस टू से क्या हो जाएगा, माइनस वन, मीन्स यहाँ पे चला जाएगा ये माइनस टू माइनस माइनस वन क्या हो जाएगा आपका माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर फाइव, तो ये इस केस में किस कैसे डिस्प्ले करेगा, रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा, ठीक है। वी हैव टू एड दिस इंडेक्स नंबर, अभी इसका इंडेक्स नंबर क्या है, एक सेकेंड, जो इसका इंडेक्स नंबर है वो स्टार्ट हो रहा है माइनस टू से, माइनस टू प्लस माइनस वन, तो नेक्स्ट इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा माइनस थ्री, ठीक है। फिर ये माइनस थ्री था, माइनस थ्री में माइनस वन प्लस होगा, वन प्लस नहीं होगा, ठीक है। अगर वन प्लस होता तो ये राइट हैंड साइड जाता, लेकिन माइनस वन प्लस हो रहा है तो ये किधर जाएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू इसने क्या कर दिया, माइनस फोर, तो ये रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा। और एंड कहां तक करना है इसको, वन तक, वन मतलब ई तक, ठीक है। तो इसने यहाँ पे ये रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, सही बताया। रिप्लाई, यस मैम। इसने क्या डिस्प्ले करा, टी एस आर ए ई डी ओ एल एल, ठीक है। इसने क्या किया बच्चों, रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले किया। इट इज पॉसिबल टू डिस्प्ले, मतलब आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी इंडेक्स नंबर दे सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी इंडेक्स नंबर दे सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, वो सिर्फ यही है कि आप इंक्रीजिंग नंबर में ही इसको नंबर दे सकते हो। वट इफ आई विल टाइप ओवर हेयर थ्री, अगर मैंने यहाँ स्टेप माइनस थ्री कर दिया, तो जरा नोटबुक में लिखना क्या आउटपुट आएगा, नोटबुक में इसको सॉल्व करो जरा। कर रहे हो, यस मैम। देखो अभी स्टार्टिंग में आप जब ऐसे स्लाइसिंग का सॉल्व करोगे ना, तो उस केस में आप अगर मान लो इसको पहले से इंडेक्स नंबर लिख लो ना, देन इट वुड बी वेरी इजी टू यू सॉल्व दिस स्लाइसिंग, व्हाट आउटपुट इट इज गोइंग टू डिस्प्ले। T-A-O-E. ये किस बच्चे ने रिप्लाई किया मुझे, मैम दीक्षा। दीक्षा, और बाकी दोनों, डिम्पी और चेतना, मैम T-R-E-O. लिख लिया ना आप लोगों ने, चलो इसको रन कर देते हैं, क्या डिस्प्ले करता है। ये देखो T-R-D-L. ओ किसने बोला था, सेम है क्या आप लोगों का? नो मैम, जैसे स्टार्टिंग गलत है। देखो बच्चों, जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं ना, उसके लिए आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं उसकी जो प्रोसेसिंग होती है ना, वो आपके माइंड में चलनी चाहिए। अगर आप नोटबुक में कोई प्रोग्राम सॉल्व कर पाते हो ना, इसका मतलब ये होता है कि आपको वो प्रोग्रामिंग आ रही है। कभी भी आप प्रोग्रामिंग जब सीखते हो तो कंप्यूटर पे तो हमें उसको अप्लाई करके देखना होता है, लेकिन जैसे कोई प्रोग्राम गिवन है, तो जब आप अपने माइंड में उस प्रोसेसिंग को चलाना सीख जाओगे ना, तभी आप बता पाओगे कि ये जो प्रोग्राम है इसका आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा। अभी देखो हम इसको अपने सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ये कहां से स्टार्ट होगा, माइनस टू से। माइनस टू हमारा कहां पर है, यहां पर टी से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो कहां से है, टी से है। अब ये रिवर्स जाएगा, है ना, कहां तक जाएगा, वन तक। वन इंडेक्स नंबर पे क्या है हमारा, ई है, ठीक है। तो जो इसका एंड है बच्चों, वो कहां पे है हमारा, ई पे है,
ठीक है, स्टार्टिंग होगी इसकी टी से और एंड होगा इसका ई पे। पहली चीज तो ये रिवर्स ऑर्डर में देगा, दूसरी चीज ये -3 दिया है, मतलब ये हर थर्ड नंबर देगा। जैसे ये स्टार्ट कहां से करेगा, स्टार्ट करेगा ये टी से, ठीक है, तो ये टी से स्टार्ट करेगा, -2 यहां से स्टार्ट करेगा, तो इसने टी डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद थर्ड एलिमेंट देगा, टी के बाद इसने क्या दिया है, 1 2 थर्ड एलिमेंट इसने दिया है ना, 3 का गैप है तो इसने क्या डिस्प्ले करा, थर्ड एलिमेंट डिस्प्ले करा। फिर इसने 1 2 थर्ड एलिमेंट फिर डिस्प्ले कर दिया डी, और उसके बाद इसने 1 2 3 थर्ड एलिमेंट फिर से डिस्प्ले कर दिया। गॉट द पॉइंट? तो इसने क्या डिस्प्ले कर दिया बच्चों, यहाँ पे टी आर डी एल। ठीक है, एक और प्रोग्राम में देती हूं। सपोज आई एम नॉट गिविंग एनी इंडेक्स नंबर, सॉरी ये स्टेप नहीं दे रही हूं मैं इसको, यहां पे दे देती हूं मैं 12 और यहां दे देती हूं -12, क्या डिस्प्ले करेगा ये, ब्लैंक। क्यों ब्लैंक क्यों डिस्प्ले करेगा, बाकी दो का रिप्लाई क्या है, क्या ये ब्लैंक डिस्प्ले करेगा? बिकॉज़ ये रिवर्स में नहीं जा सकता। हाँ, क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स मैंने नहीं दिया है, तो हम अभी अपने सिलेबस के हिसाब से तो यही बोलेंगे भाई ये रिवर्स नहीं जाता है, ये तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही इंडेक्स नंबर लेता है। ठीक है, तो हमने पहली चीज तो यहाँ स्टेप नहीं दिया, तो ये +1 करेगा। तो कहां से स्टार्ट किया इसने, 12 से स्टार्ट किया, मींस इसने किससे स्टार्ट किया, टी से, इसने यहाँ टी से स्टार्ट किया। और कहां तक जाएगा ये, -12 तक जाएगा, -12 कहां पे है ये, एल, एल तक इसको जाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको टी से लेके एल तक रिवर्स ऑर्डर में जाना, और रिवर्स ऑर्डर में तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, है ना, क्योंकि हमने इसको नेगेटिव वो तो दिया ही नहीं है इसको स्टेप, तो ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। चलो एक क्वेश्चन और देती हूं मैं, व्हाट इफ आई विल स्टार्ट फ्रॉम -1 एंड आई विल गो अप टू 8, इस केस में क्या डिस्प्ले करेगा? AR space ST. You mean to say that AR space ST ये डिस्प्ले करेगा, है ना? बाकी दोनों बच्चे क्या बोलते हैं? हाँ मैम यही करेगा, यही करेगा। चलो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसको। ओके, AR space ST, ठीक है। इसने कहाँ से स्टार्ट करा, 8 नंबर से, स्टार्टिंग A से हुई इसकी, है ना? तो हम यहाँ पे इसकी लिख लेते हैं कि स्टार्टिंग कहां से हुई इसकी, ए से स्टार्ट हुआ, मतलब 8 नंबर पे यहां से स्टार्ट हुआ ये। एंड कहां पे होगा, -1, मींस ये वाला एंड कहां पे होगा इसका, -1, मतलब टी पे इसका एंड हो जाएगा, क्योंकि -1 पे क्या है हमारा, यू है, तो उससे एक पहले तक ये डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, तो ये क्या डिस्प्ले कर देगा, ए आर एस टी, ये इतना डिस्प्ले कर देगा। आई प्रोसेसिंग समझ में, जिस दिन आप लोग ये प्रोसेसिंग चलाने लग जाओगे ना माइंड में कॉपी पे लिख लिख के, उस दिन आपके किसी भी प्रोग्राम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को क्या बनाना पड़ेगा, पाइथन का इंटरप्रेटर बनाना पड़ेगा। जिस वे में पाइथन का इंटरप्रेटर सोचता है, आपको उसी तरीके से सोच के नोटबुक में 1 by 1 स्टेप लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट, और इसका मैं एक छोटा सा टेस्ट पेपर प्रिपेयर करूंगी, तो उसका लिंक मैं आप लोगों को भेज दूंगी।
तो वो आप लोग सॉल्व करके मुझे सबमिट कर देना। अब कितना डिस्प्ले करेगा बच्चों ये? ये हमने पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स कॉम्बिनेशन ले रहे हैं दोनों का। मैम एच और ई, एच और ई दो एलिमेंट डिस्प्ले कर देगा। क्यों? बाकी दोनों बताओ। मैम ब्लैंक, ब्लैंक देगा। देख लेते हैं क्या देगा ये ब्लैंक। ठीक है, देखो इसने कहां से स्टार्ट किया, जीरो से, यहां से स्टार्ट करा एच, जीरो पे एच। ठीक है, कहां तक ये डिस्प्ले कर रहा है बच्चों? माइनस 14, मीन्स माइनस 14 का मतलब है उससे एक पहले वाला एलिमेंट। ये तो कोई एलिमेंट बना ही नहीं यहाँ पे, तो माइनस 15 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो हमारी तो रेंज पूरी नहीं हुई यहाँ पे। ठीक है, और उल्टा ये कभी जाएगा नहीं, जीरो से पीछे एलिमेंट पे नहीं जाएगा, जीरो से नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे जाएगा ये। वट इफ आई विल टाइप माइनस 14 टू जीरो? अब बताओ, अब ये कहां से कहां तक डिस्प्ले करेगा? ब्लैंक, ब्लैंक। और बाकी दोनों? एच। क्या डिस्प्ले करेगा? एच, एच, सिर्फ एच दे देगा। देखो ये स्टार्ट कहां से होगा, माइनस 14, रिवर्स ले रहे, रिवर्स मतलब फर्स्ट एलिमेंट एच से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। कहां तक डिस्प्ले करना है इसने? जीरो तक। एंड में हमने क्या दे दिया? जीरो, तो एंड भी इसका यहीं पे हो जाएगा। जीरो पे एंड होने का मतलब क्या है, इसका एंड कहां पे हो जाएगा? जीरो से एक पीछे। ठीक है, तो जीरो पे एंड करे तो इट इज नॉट गोइंग टू इंक्लूड जीरो एट ऑल। तो ये जो हमारा जीरो नंबर हम एंड में दे रहे हैं, दिस इज आउट ऑफ रेंज। जो एंड है ना, एंड में हम जीरो देते, दिस इज आउट ऑफ रेंज। अगर हम इस सीरीज को रिवर्स में देते हैं तो उस केस में फिर भी कुछ पॉसिबल है। अगर हम यहां दे देते हैं 13, ठीक है, और यहां दे दिया हमने इसको स्टेप दे दिया -1, तो इस केस में फिर भी थोड़ा बहुत पॉसिबल है कि ये 13 से जीरो तक डिस्प्ले करेगा। आया बच्चों समझ में? ये देखो रिवर्स ऑर्डर में इसने डिस्प्ले कर दिया, 13 से 0 तक नहीं, 0 से 1 नेक्स्ट तक। ठीक है, अब एक सेकंड, जो ये लास्ट वाला इंडेक्स नंबर होता है ना हमारा, यहाँ पे 0 लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर जीरो पे एंड करेगा ये, मतलब बिफोर जीरो इट विल एंड, तो ये चलेगा ही नहीं आपका, कभी भी नहीं चलेगा। ठीक है, जीरो हमेशा आपकी काम करेगी जब आप उसको स्टार्टिंग में देते हो। ओके, दिस इज ऑल अबाउट जो स्लाइसेस है, जो स्लाइसिंग वाला कंसेप्ट है बच्चों, ये सबसे टेक्निकल कंसेप्ट है आपका। जो सेकेंड वाला चैप्टर है इसमें सबसे मुश्किल कंसेप्ट है, आप कभी भी डिस्कस करोगे आपस में तो बच्चों का ये जो स्लाइस वाला कंसेप्ट होता है, ये थोड़े इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनका भी क्लियर नहीं होता है। जो फंक्शंस वगैरह होते हैं वो तो आप सेल्फ स्टडी से भी थोड़ा सा समझ सकते हो। ठीक है।